आज हम लोग भौतिक विज्ञान में अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यदि उस वस्तु को अवतल दर्पण में हम एक जगह पर रखेंगे, जैसे मान लीजिए फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ये दो पॉइंट पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक अवतल दर्पण है जिसमें एक वस्तु ए भी है, इसको रखा गया है, तो इस चित्र के अनुसार ये प्रतिबिंब जो है हमको यही स्पष्ट होता है कि इसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है और इस क्या देख रहे हैं कि यह वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जब भी फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, जो पीछे बनता है आभासी होता है, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसको आरेख द्वारा दर्शाएं तो ऐसा भी क्वेश्चन देता है। नंबर दो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जैसे चित्र दो में दिखाया गया है कि यदि वही वस्तु जो है अवतल दर्पण के अगर फोकस पर रहेगा, कोई वस्तु को फोकस पर अवतल दर्पण के रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये चित्र के द्वारा ये हमको स्पष्ट होता है कि यदि अवतल दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब रहेगा, वस्तु रहेगा, उसका प्रतिबिंब जो है उसकी अवतल दर्पण के सामने ही लेकिन अनंत पर बन रहा है। ये देख रहे हैं प्रतिबिंब जो है, यदि एक वस्तु है इसे किरण निकल करके फोकस होती है, किरण निकल रही है और दूसरी किरण जो है इसके वक्ता केंद्र से ऊपर जाकर पुनः वक्ता केंद्र से लड़ते हुए इस फोकस से जो किरण जा रही है उससे संबंध, ये दिखा रहा है कि अनंत पर बन रहा है। इसका मतलब यदि अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सामने बनेगा, जब सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। देख रहे हैं ये वस्तु जो है ऊपर है, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बना, अनंत पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बन दिखाई देगा वो, लेकिन इसको दिखाया नहीं गया है। तो यही है हमारा, यदि वस्तु का अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो आज की इस वीडियो में यही तो पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब यदि फोकस और ध्रुव के बीच में है तो कहां बन रहा है, उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। दूसरा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, आरेख में दिखाया गया है और उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति को भी दिखाया गया है। ये पॉइंट को आपको याद रखिएगा और चित्र को भी आपको बनाने के लिए सिखाइएगा कि ऐसा रहेगा तो इसका प्रतिबिंब वैसा बनता है। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी देता है, ये वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच उसका किरण आरेख द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब को दर्शाइए। थैंक यू। आज तक।